अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ऐसी ही खबर सुनने को आई है कि जिसका इंतजार हम लोग बहुत महीनों से कर रहे थे, जिसकी तैयारियां कराची वाले सिर्फ खबरों में ही सुन रहे थे और जिसके कोचे सिर्फ कराची वाले तस्वीरों में ही देख रहे थे। जो कराची सर्कुलर रेलवे का सिलसिला आज से 20 साल पहले बंद हो चुका था, आज रेलवे ने उसको दोबारा चलाने की एक तारीख बता दी है। यानी बहुत जल्द अब कराची वाले कराची सर्कुलर रेलवे के कोचेस को सिर्फ खबरों पर नहीं देखेंगे, सिर्फ तस्वीरों में नहीं देखेंगे या किसी फेसबुक के ग्रुप पर नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी आंखों के सामने कराची की पटरियों पर दौड़ता हुआ देखेंगे। एक सस्ते और अच्छे सफर से फायदा उठा सकेंगे और कराची के इस बेतहाशा ट्रैफिक से बच सकेंगे। तो अब मैं आप लोगों को इतने सस्पेंस में क्यों रखूं, चलें अब असली बात पर आते हैं। तो दोस्तों 10 नवंबर 2020 को पाकिस्तान रेलवे ने कराची सर्कुलर रेलवे को चलाने की एक तारीख बता दी है, जिसके मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे 16 नवंबर 2020 से कराची की पटरियों पर चलते हुए दिखाई। ये कराची सर्कुलर रेलवे का फेज 1 होगा, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे के व्हाइट और ब्लू कोचेस सिर्फ आपको पीपरी यार्ड से लेकर औरंगी टाउन तक चलते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद फेज 2 पर काम शुरू हो जाएगा और फेज 2 में कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक औरंगी टाउन से लेकर गिलानी रेलवे स्टेशन तक क्लियर कर दिया जाएगा और फिर आप लोगों को केसीआर के कोचेस पीपरी यार्ड से लेकर गिलानी रेलवे स्टेशन जो के गुलशन में वाके है वहाँ तक आपको केसीआर की ट्रेन नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर इस फेज 2 के बाद फेज 3 पर काम शुरू हो जाएगा, जिसमें गिलानी रेलवे स्टेशन से लेकर नीपा, गुलिस्ताने जौहर और ट्रिक कॉलोनी रेलवे स्टेशन तक का ट्रैक क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस तरह कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज 1 पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है और 16 नवंबर 2020 से इन ट्रैक्स पर ट्रेन भी दौड़ती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों इसके बाद अब आ जाते हैं इन ट्रेन्स के टाइमिंग्स पर, जिसमें अब तक के इत्तलात के मुताबिक ये बताया गया है कि दिन में 4 अप ट्रेन्स और 4 डाउन ट्रेन्स चला करेंगी। यानी औरंगी टाउन से 4 ट्रेन्स निकलेंगी पीपरी यार्ड के लिए और पीपरी यार्ड से 4 ट्रेन्स निकलेंगी औरंगी टाउन के लिए, कि जिसमें पहली ट्रेन निकलेगी सुबह के 7 बजे, उसके बाद दूसरी ट्रेन निकलेगी सुबह के 10 बजे, इसके बाद तीसरी ट्रेन निकलेगी दोपहर के 1 बजे और इसके बाद चौथी ट्रेन निकलेगी शाम के 4 बजे। तो इन्हीं टाइमिंग्स के मुताबिक पीपरी यार्ड और औरंगी टाउन से ट्रेन निकला करेंगी और पीपरी यार्ड से निकलने वाली ट्रेन बिनकासिम, जुम्मागोट, लांडी, मलीर, ट्रिक कॉलोनी, ट्रिक रोड जंक्शन, डिपार्चर यार्ड, कराची कैंट रेलवे स्टेशन, कराची सिटी रेलवे स्टेशन से होती हुई मंगू पीर साइट एरिया और फिर अपना लास्ट स्टॉप यानी औरंगी टाउन पर जाकर रुकेगी। तो ये बात हो गई कराची सर्कुलर रेलवे के रूट और टाइमिंग्स की। तो अब बात करते हैं इस ट्रेन के फेयर्स की, यानी कि इस ट्रेन का किराया क्या रखा गया है। तो फिलहाल अब तक ये बताया गया है कि इस ट्रेन का एंड टू एंड किराया यानी पहले स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक का किराया 50 रुपए रखा गया है। तो अब तक इसकी कोई प्रॉपर फेयर लिस्ट नहीं आई है, तो अगर आप किसी बीच के स्टेशन से चढ़ते हैं तो उसका अभी तक किराया कंफर्म नहीं किया गया है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक अभी तक सिर्फ एंड टू एंड ट्रेन का किराया बताया गया है। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में बात हो गई इस ट्रेन के इनॉग्रेशन की, उसके बाद हमने बात की इस ट्रेन के रूट की और इसके स्टॉपेजेस की और इसकी टाइमिंग्स की, और उसके बाद हमने बात की सबसे मेन चीज की जो कि था इस ट्रेन का किराया। तो अब इन सब बातों के बाद मैं इसमें अपने कुछ राय शामिल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज वो ये है कि मुझे लगता है कि अब तक इस ट्रेन के सिर्फ 2 ही रेक्स तैयार किए गए हैं, कि एक ट्रेन सुबह 7 बजे पीपरी यार्ड से निकलेगी और उसी वक्त दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे औरंगी टाउन से निकलेगी। इसी के साथ 2 या 2.5 घंटे में औरंगी टाउन से निकलने वाली ट्रेन पीपरी यार्ड पर पहुंच जाएगी और पीपरी यार्ड से निकलने वाली ट्रेन औरंगी टाउन पर पहुंच जाएगी। फिर यही दोनों ट्रेन 10 बजे वाली ट्रेन बनकर दोबारा अपने अपने पुराने स्टेशन पर आ जाएंगी और इसी तरह सिलसिला पूरा दिन चलता रहेगा। यानी कि केसीआर में पूरा दिन यही 2 ट्रेन चलती रहेंगी। और ये मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अब तक रेलवे ने सिर्फ 2 ही लोकोमोटिव्स को व्हाइट और ब्लू थीम में कन्वर्ट किया है। तो इस बात से भी ये साफ जाहिर है कि फिलहाल इस ट्रेन के सिर्फ 2 ही रेक्स यूज किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों एक और बात क्लियर करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे बिल्कुल लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की तरह होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाहौर की मेट्रो ट्रेन के अपने ट्रैक्स हैं, अपने स्टेशन हैं और उससे रेलवे का कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर हम केसीआर की बात करें तो कराची सर्कुलर रेलवे तकरीबन आधे से ज्यादा ही रेलवे के ट्रैक्स पर चल रहा है, जहां पर हमारी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल भी है कि कराची सर्कुलर रेलवे ऑरेंज लाइन को टक्कर दे सकती है या ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरह होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग चीज है और ये बिल्कुल एक अलग चीज है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अब अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द अज जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और जल्द से जल्द कराची सर्कुलर रेलवे के बाकी फेजेस भी ओपन हो जाए, ताकि कराची की सड़कों पर ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो जाए और लोग भी एक अच्छा और मियादी सफर कर सकें। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट
वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।